बैठिए मैडम ये देखो इनको, इनकी नाक देखो बिल्कुल अपने पिताजी, पिताजी है, है, बड़ी होशियार है क्या गाना था वो अरे बेटो तू या क्या कर रहा है और दोनों लड़कियों भाई साहब आप कौन है जी मैं इसका बाप हूँ आप इसके बाप हूँ महमूद का बेटा नहीं है तू अरे हास्य कलाकार ये तेरे बाप का रोड नहीं है जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के करता है शर्म नहीं आती तुम्हें चलान तो भैया तेरा और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है जा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पठान फिल्म के बारे में तो पठान फिल्म 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक जासूसी फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित की गई है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म के तहत निर्मित की गई है वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकोण और जान अब्राहम हैं एक था टाइगर 2012 टाइगर जिंदा है 2017 और वार 2019 के बाद स्पाई इनवर्स में चौथी किस्त है यह एसराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है यह फिल्म वाई आर एफ की पहली डालबी सिनेमा रिलीज है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आई मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया था फ्रेंड्स पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के सप्ताह के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई थी जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है इस फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ रुपये की कमाई की और दो की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है और अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है अब तक की पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और कई सेट भारत में अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और एक हिंदी भाषा की फ़िल्म के लिए सन 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता है को रद्द कर दिया गया था यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करते हैं वो जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करते हैं इस बीच पठान रा एजेंट और एक उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जे ओ सी आर नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं और संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथारा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी परियोजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों यानी कि डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की है जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है जिम डॉक्टर सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं और मुख्यालय में लुथार खुलासा किया कि जिम एक पूर्व एजेंट था जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को नाटक किया और वो अपने देश के प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को सोमलियाई आतंकियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है तो पठान को रक्तबीज नामक को कोडवर्ड के बारे में पता चला था और यह भी पता चला था कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था वो स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबीना एक पूर्व आई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देते हैं तब रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मास्को में है दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये पता चला कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल से लाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहां अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आता है जैसे कि नंदनी ने मोर्स कोट के माध्यम से सूचित किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मियों और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं और तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाले खरीदने के बारे में बताता है जहां नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलती है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम डॉक्टर सहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहे हैं और यह भी बताते हैं कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह भी पता नहीं था कि उसका देश उसके साथ इस जघन्य हमलाओं की योजना बना रहा है और रूबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है जहां पठान और उसकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाती है तब पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिसमें पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता

रवीना जिनके आदमी पर हमला करते, करते हैं, हैं। और पठान के, के, के साथ में भाग जाते हैं तो बात है रवीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मास्को में है और दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं पठान और रवीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है लेकिन रवीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये पता चलता है कि जिम ने रक्त भी चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आते हैं जैसे कि नंदनी ने मेकर्स कोर्ट के माध्यम से सूचित किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मी और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहां नंदनी पेरिस में रुबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देता है और डॉक्टर शहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है वो यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है और जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाते हैं तो पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आईआईसीडी जाते हैं जहां जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देते हैं पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफ़ी पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि सैनिकों को एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है तब पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वह एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज़ में है वो पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है जो लुथारा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फ़ोन किया है केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जिम द्वारा छुरा घोपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख के रूप में बनाया गया था जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मणों प्रांत सम्मानित किया गया है तो क्रेडिट के बाद भारत के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्ति होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर आई जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने काम किया है तो उनके बारे में हम जानते हैं तो शाहरुख खान रा एजेंट पठान के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और दीपिका पातकोड़ आई एस आई की पूर्व एजेंट रूबीना मोहसिन हैं जान अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और पूर्व रा एजेंट जिम हैं मनीष माधवा जो जनरल कादिर हैं आशतोष राणा कर्नल सुनील लुथारा हैं डिम्पल कपाड़िया नंदनी जे ओ सी आर की प्रमुख हैं सलमान खान अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में हैं प्रेम झंगियानी डॉक्टर फरुखी हैं और प्रकाश बेलावाड़ी डॉक्टर सहानी हैं साजिद चौधरी रजा जे ओ सी आर के सदस्य हैं एकता कौल श्वेता जो जे ओ सी आर की सदस्य हैं आकाश भतीजा जो अमोल जे ओ सी की सदस्य हैं दिंगता हजारिका जोसेफ जे आर सी की सदस्यता हैं बिरा पटेल ऋषि जे आर सी की सदस्यता हैं रजत कौल राफे जिम का गुर्गा है मनीष वादवा जनरल कादिर हैं रूमी खान जिम का गुर्गा है जो मानसी तक्षक हैं जो जिम की पत्नी हैं आशुतोष सिंह हैं रूबी के पिता हैं अमनप्रीत हुंदल जो रुबाई की माँ हैं और कथित सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट हैं राकेश खंडी ए टी एस हैं और मुश्ताक अक्सरी फयाद हैं और निकहत खान सबा पठान की पालक माँ हैं ग्रेसर गिरधर युवा रुबाई हैं तूफेंस पठान फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक बेशर्म कुमार रंग इसे गाया है विशाल शेखर और विशाल डलडलानी शेखर रविजानी और शिल्पा राव कैरिलसा मोन्टेरो ने नंबर दो झूमे जो पठान इसे कुमार शेखर और विशाल दलदलानी अरिजीत सिंह सकृति कक्कड़ विशाल शेखर ने गाया है नंबर तीन पठान की थीम इसे विशाल शेखर और मकदोलैना सुपेल किट और मधुमक्खी जी ने गाया है नंबर चार जिम की थीम इसे विशाल शेखर और मान्या नारंग और रिया दुग्गल जी ने गाया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की रिलीज के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है फिल्म को भारत में आई एम एक्स संस्करणों के साथ साधारण संस्करणों में प्रदर्शित किया गया है पठान पहली भारतीय फिल्म थी जो आई सी आई थ्रेटर प्रारूप में रिलीज हुई थी पठान को दुनिया भर में 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें भारत में हिंदी के 5000 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के 450 स्क्रीन शामिल हैं फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः अमेजन प्राइम वीडियो और स्टार नेटवर्क द्वारा अधिगृत किए गए थे जिसे पच्चीस अप्रैल दो को प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फिल्म का बेशर्म रंग गीत दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के आरोप के बाद विवादों में आ गया था यह गीत अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अनादर करता है क्योंकि दीपिका गाने में भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देती हैं इस फिल्म को लेकर मुस्लिम पठान लोगों ने भी गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रदर्शन किया था उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पठान लोगों को जैसे दिखाया गया है वैसे हम लोग नहीं हैं ये सच है कि फिल्म के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शाहरुख खान के पुतले और पोस्टर जलाए गए थे फिल्म पर हंगामा का कारण यह भी आया क्योंकि इसे पहले आमिर खान की बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और काफी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं तो यह फिल्म भी फ्लॉप होनी चाहिए यह लोगों का मानना था कि फिल्म को इस का कुछ फायदा हुआ है जिसे नकारात्मक प्रचार करते हुए दोस्तों आइए हम पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें कि फिल्म ने भारत में 270 करोड़ की कमाई के साथ अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 410 करोड़ का सकल संग्रह किया था फिल्म ने हिंदी भाषा में रिलीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत दिया ये पहले दिन विश्व स्तर पर 110 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की है पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदुस्तान में पाँच करोड़ की नेट कमाई की है गैरतलब है कि पठान ही है वो पहली फिल्म जिसने चार करोड़ की नेट कमाई की थी अपने रिलीज़ के अट्ठाईस दिन पठान ने एक हज़ार करोड़ की कमाई की और यह भारत की पांचवी और बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने यह कारनामा कर दिया है एक मार्च 2023 तक फिल्म ने भारत में पाँच सौ चालीस करोड़ यू एस मिलियन और विदेशों में तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में एक हज़ार पचपन पॉइंट उनतालीस करोड़ यू एस एक सौ इकतीस मिलियन का सकल संग्रह किया है यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और खान के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया गया है आज तक की फिल्म की कुल कमाई लगभग एक करोड़ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है तो बॉलीवुड हंगामे के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चौदह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और कहा है कि फिल्म को एक्शन भावनाओं देशभक्ति हास्य रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर मनोरंजन कहा है और सुकन्या वर्मा रेटफी ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारों की रेटिंग दी है और फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारे दिए हैं और एन के शबल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से तेरह की रेटिंग दी है और बेब दुनिया के समय ताम्रकर ने फिल्म को पाँच में से तेरह सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान की कहानी रूटीन जरूर है लेकिन उसे पेश करने का तरीका ही है फिल्म को खास बनाता है द रन टाइम ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान में मसाला पार्ट ब्लैर की सभी सामग्रियाँ हैं पिंक पिला के हिमेश माकवर्ड ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और कहा इसे टेटपोल इवेंट फिल्म कहा जिसमें सही मात्रा में एक्शन थिल इमोशनल और ड्रामा है द क्विंट की तनिषा बख्ची ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और डी एन ए ने इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और प्रदर्शन की प्रशंसा की है स्कोर किया है लेकिन कुछ एक्शन दृश्यों को ओवर द टॉप और अविश्वसनीय करार दिया है जी न्यूज़ की, की रितिका हांडू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच स्टार की रेटिंग दी है और उल्लेख किया है कि इस यशराज फिल्म एक्शन में एक भी सुस्त क्षण नहीं है शाहरुख खान और जान के बीच एक एक्शन सीक्वेंस दिमाग सुन कर देने वाला है इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने फिल्म को पाँच में से तेरह स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान पठान का दिल है द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और लिखा है कि शाहरुख खान अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है लेकिन फिल्म के दूसरे भाग की भी आलोचना की गई है मैसबल के फेन चियू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और लिखा है कि बीजीएम विजुअल अ प्लाट और स्क्रीन प्ले सभी मिलकर एक संपूर्ण जन मनोरंजन बनाते हैं सलमान खान कुछ कुछ होता है करण अर्जुन हर दिल जो प्यार करेगा हम तुम्हारे हैं सनम और पठान फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं शाहरुख खान ने चार साल के बाद फिल्मों में वापसी की है और इससे पहले कि वो जीरो फिल्म 2018 में नजर आए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार जान अब्राहम और आशतोष राणा के साथ काम किया था टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुप्रचिष्ठित फिल्म का इंतजार कर रहे हैं इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई है तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर जवान की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं एडली के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिनेमा प्रेमियों को किंग खान और नैन तारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है वहीं दीपिका पातकोण अपने कैमियो रोल में फैंस को दीवाना बना रही हैं इस बीच एस आर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जी हां सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से शाहरुख खान ने चार साल बाद बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था फिल्म में भाईजान यानी कि सलमान खान भी कैमियो रोल में नजर आए थे दोनों खान की जोड़ी पर्दे पर ब्लैक साबित हुई थी एक तरफ सलमान खान जहां अपनी इस अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री को लेकर बिजी हैं वहीं दूसरी तरफ फैंस शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुसूचित फिल्म का इंतजार कर रहे थे इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन दोनों सुपरस्टार को फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और मीडिया रिपोर्टरों की माने तो दोनों मेगा स्टार ने स्क्रिप्ट पर अपनी सहमति जताई है जिसके बाद टाइगर बनाम पठान की स्क्रिप्ट लाख हो गई है जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से सिनेमा प्रेमियों को इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हुए थे आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और, और सलमान खान के साथ बैठक की और उन्हें फिल्म के बारे में बताया दोनों को फिल्म की कहानी पसंद आई और फिल्म अब मार्च में फ्लोर पर जाएगी बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी टाइगर वर्सेज पठान एक्शन से भरपूर होने वाली है फिल्म कबीर खान की एक था टाइगर अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है सिद्धार्थ आनंद की वार और पठान और मनीष शर्मा की बाद वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म होगी अपनी कम फिल्म पठान में शाहरुख खान एक भारतीय खुफिया एजेंट के रोल में है जिसका कोर्ट नेम पठान है वहीं दीपिका पादकोण भी किंग खान की तरह जासूस बनी हैं। उधर जान अब्राहम एक खतरनाक आतंकवादी के रोल में हैं। जो कंट्रैक्ट पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक आतंकवादी जान भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है जो भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी खबर लगती है तो वो उसे निपटाने के लिए अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को एक्टिव करते हैं जान के खिलाफ मिशन में पठान को दीपिका पातकोण का भी साथ मिलता है क्या पठान अपने देश को सबसे खतरनाक आतंकवादी से बचाने की जंग में कामयाब हो पाते हैं या नहीं यह जानने के लिए आपको सिनेमाई घर जाना होगा और शाहरुख खान की फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होने के साथ ही मूवी विवादों में आ गई है इसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस किया था फिल्म का बड़े स्तर पर बायकॉट भी किया गया है ऐसे में दर्शक इस फिल्म की कहानी जानने को लेकर बहुत उत्सुक हैं करीब चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे शाहरुख खान ने एडवांस बुकिंग के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है सोमवार रात तक टॉप थ्री नेशनल सिनेमा चेन पर फिल्म पठान के चार लाख उन्नीस हजार टिकट बिक चुके हैं इस मामले में पठान अभी हिंदी डब फिल्मों के के जी एफ टू और बाहुबली टू से पीछे है के जी एफ़ टू के पहले दिन के सोच के लिए पाँच लाख पंद्रह हज़ार एडवांस टिकट बिके थे जबकि बाहुबली टू के पहले दिन के लिए साढ़े छः लाख टिकट बिके थे पठान के लिए दर्शकों का क्रेज क्या है इतना खास तो पठान के लिए दर्शकों का क्रेज इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि बाहुबली टू और के जी एफ टू दोनों ही सीक्वल फिल्में थीं और के जी एफ़ टू तो अंबेडकर जयंती की छुट्टी वाले दिन रिलीज़ हुई थी वहीं पठान ना तो कोई सीक्वल फिल्म है और ना ही किसी हॉलीडे पर रिलीज हो रही है इस तरह पठान ने पहले दिन सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन और टाइगर शराब की फिल्म वर् के नाम था और एक लंबे समय से देश के सिनेमाई घरों का नजरा बदल चुका है और मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान के फैंस का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा था जी हां थिएटर की रौनक ऐसी थी कि मानो कोई त्योहार है गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तेजोतरर और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के बाद बादशाह शाहरुख खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा की पठान फैंस के लिए हाई अटेक्शन एक्शन और इंटरटेनमेंट सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यशराज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लेवरेज है कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है और वो भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकवादी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिन जॉन अब्राहम है एक समय में रा का जाबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने कुर्ता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यही से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने का आमदा हो जाता है और इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदनी यानी कि डिंपल कापाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लुथारा यानी कि आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उनके टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर पठान की मुलाकात आईएसआई आई की एजेंट रूबीना यानी कि देविका पादकोंड से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वंस का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित करती है जो विश्वास और विश्वाघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई दे चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएंगे देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब के जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कैरियर की शुरुआत में हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों की मगर बैग बैग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए के लिए कटिबद्ध हैं मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मालवल की फिल्में सरीखा इफेक्ट देने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरी है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर और आल्टन ट्विस्ट एक्सार्टिक लोकेशन हीरो विलेन के बीच सा और मात चुटकुले समात कॉमेडी का तगड़ा जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लाट पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेकिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हरितगंज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइलिस्ट बीएफएक्स एफ सिनेमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका बिना और लोकेंस का अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं बेसर्म रंग और झू में जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लैक बॉस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह है कि किरदारों के लुक और कस्टडियो पर खास मेहनत की गई है तो पठान में किंग खान अपने कम को सही मायने में सार्थक करते हैं एस आर के का लुक हो आंखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वेग और एक सोल्जर देश ने यह नहीं पूछा कि देश के लिए क्या किया है और क्या करना है मुझे वो देश के लिए क्या कर सकते हैं जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शाहरुख खान अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक करते नजर आ रहे हैं तो फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट जिसमें कि जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और बिल काफडेट बिलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उसे बिलन से कहीं भी कमतर लगता दिखाई दे रहा है जान अब्राहम ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी कि सलमान खान 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेबर पर ले जाती है सलमान खान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है शाहरुख खान की और सलमान खान की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों के हाथों हाथ लेते हैं और दीपिका पादकोण को मजदूगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रूबियाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न पर्दों को बखूबी निभाया है बॉलीवुड हीरोइन को हीरो और विलेन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखा अच्छा लगता है डिम्पल कापाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंक देते हैं सहयोगी कास्ट अच्छी भी है शाहरुख खान सलमान खान जान के चाहने वाले एक एक्शन फिल्मों के के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म पठान की सफलता के दौरान फिल्म टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया गया था यशराज फिल्म के बैनर तले इस धमाकेदार एक्शन फिल्म का निर्माण होना है जबकि पठान और वार जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की अगली पेशकश की कमान संभालेंगे मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है बताया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान ने अपनी ओर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल कर लॉक कर दिया है इतना ही नहीं अपडेट भी मिला है कि अगले साल मार्च में जाकर टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है जबकि इस मूवी से जुड़ी बेसिक तैयारियों का आरंभ आने वाले नवंबर से हो सकता है अगर ऐसा वास्तव में तय समय के अनुसार होता है तो कुछ वक्त बाद ही फैंस को सिनेमाई घरों में टाइगर वर्सेस पठान का धमाका देखने को मिल सकता है बेशक फिल्म पठान में सलमान खान का कैमियो रोल था लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में टाइगर की एंट्री ने धूम मचा दी है और मूवी मेगा ब्लैक बोस्टर साबित हुई है इस साल पठान की अपार सफलता के बाद अब आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म बैनर तले बनी अगली स्पाइफ थ्रिलर फिल्म टाइगर थ्री रिलीज के लिए तैयार है हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है गौर करें कि टाइगर थ्री की रिलीज डेट सिद्धार्थ आनंद जी को कबाया और इस फिल्म की स्क्रिप्ट इन्होंने कैसे तैयार की इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो फैंस बने रहिए हमारे चैनल पर तो पठान एक आगामी बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद द्वारा किया गया है और इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पातकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं यह फिल्म साल 25 जनवरी 2023 में रिलीज हो रही है इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियों करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिल्म में बुजुर्ग खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया गया है पठान से 25 जुलाई 2022 को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का और बाईस को रिलीज किया गया था और ट्रेलर 10 जनवरी 2023 को जारी किया गया है और इस फिल्म का पहला गाना बेसर्म रंग बारह दिसंबर दो को रिलीज किया गया था तो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सी बी एफ सी से शाहरुख खान ने पठान को सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया है इसके अलावा कई विवादस्प्रद दृश्यों को काट दिया गया है और पठान से पहले दूसरे भाग के लिए अंतिम रन टाइम क्रमशः एक घंटा और दस मिनट और एक घंटा सोलह मिनट निर्धारित किया गया है और अंत में हमें लगभग दो घंटे 20 मिनट का प्ले टाइम मिलता है तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर से जहां तीन सौ सत्तर की धारा के हटते ही पाकिस्तान में खलबली मच जाती है आगे एक निजी टेरिस्ट गैंगस्टर जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है और इसका लीडर जिम जान अब्राहम होता है जिम कभी हिंदुस्तान का जवान हुआ करता था हिंदुस्तान से नफ़रत की भी जिम की एक कहानी होती है और अब एक टेरिस्ट बन चुका है जिम को इंडिया में ब्लास्टर करने का एक मिशन सौंपा जाता है जिसके तहत वो एक ऐसे वायरस को भारत में डालना चाहता है जो कुछ ही मिनटों में पूरे देश को ख़त्म करने की क्षमता रखता है तो ऐसे में वन वास रहे पठान को बुलाया जाता है जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है इस मिशन में रूबीना यानी कि दीपिका पातकोण भी पठान के साथ आती हैं लेकिन क्या पठान सबसे खतरनाक आतंक से अपने देश को बचा पाएगा या उसके पीठ पर धोखे का खंजर भोंका जाएगा यह जानना जबरदस्त होगा यही इस फिल्म की कहानी का फ्लाट है तो पठान फिल्म के पहले गाने बेसर्म रंग से इस फिल्म की कंट्रोवर्सी बेहद तेजी से साथ बढ़ती है गाने में एक्ट्रेस पादुकोण ने इस गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनी है इस रंग का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है इस पर एक्शन लेते हुए विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म पठान पर जमकर विरोध किया है और फिल्म निर्माताओं को फिल्म पठान से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है तो इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर और कलाकार हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए सिनेमा बनाते हैं यहां तक कि बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की एक अदालत में दायर एक आरोप में याचिका के अनुसार शाहरुख खान और दीपिका पादकोण पर उनकी नई फिल्म पठान के गीत बेसर्म रंग में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है और ये 25 जनवरी 2022 को सिनेमाई घरों में रिलीज़ हुई है ओ पर रिलीज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद ये फिल्म 22 मार्च 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हो रही है फेंस पठान 2023 भारती की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान देव पादकोण और जान अब्राहम हैं यह एक टाइगर 2012 टाइगर जिंदा है 2017 और वार 2019 के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है यह यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है यह फिल्म यह फिल्म वाई आर एफ की पहली डाबलिंग सिनेमा रिलीज हुई है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आई मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है तो फिर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद जी ने और इस फिल्म को लिखा है सिद्धार्थ आनंद और सुरेश नैर ने और इस फिल्म के निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा जी और इस फिल्म को स्टार कास्ट किया है शाहरुख खान दीपिका पातकोण जन अब्राहम आशुतोष राणा डिम्पल कपाड़िया सलमान खान और सिद्धार्थ गेंगडमल ने और इस फिल्म को छायांकित किया है बेजामिल जैसपर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर जी ने निर्माण कंपनी है यसराज फिल्म के तहत इस फिल्म का निर्माण किया गया है तो फ्रेंड्स से इस फिल्म को रिलीज किया गया है पच्चीस जनवरी दो को देश भारत में और बारह मई दो को बांग्लादेश में यह फिल्म एक मिनट की है और देश भारत में और भाषा हिंदी में तो फ्रेंड्स इस फिल्म के कुल कारोबार की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया है एक करोड़ रुपए का तो पठान को भारत में 25 जनवरी दो को गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ नाटकीय रिलीज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई थी जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों और संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है इस फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ यूएस तेरह मिलियन की कमाई की है जो दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और कई सेट भारत में अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और एक हिंदी भाषा की फिल्म के लिए है तो फ्रेंड्स बिना देरी इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो सन 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा देता है को रद्द कर दिया है और यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं वो जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करते हैं इस बीच पठान एक रा एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जे ओ सी आर नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से, से सेवानिवृत्ति हुए लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुरूर रखते हैं राज्य संयुक्त सचिव कर्नल सु, सुनील लुथारा स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी परियोजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों सहानी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करते हैं और पठान इसे रोकने की कोशिश करता है डॉक्टर जिम सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं तो मुख्यालय में लुथारे ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रा एजेंट थे जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को नाटक किया था और वह अपने देश के खिलाफ विरोध प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और आजन्मे बच्चे की सोमलियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है तो पठान का रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और ये भी दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था वो स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जहाँ उसे यह भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है तो बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मास्को में है और दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्तबीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह पता चलता है कि जिम ने रक्त भी चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आते हैं जैसे कि नंदनी ने मेकर्स कोर्ट के माध्यम से सूचित किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मी और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहां नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देता है और डॉक्टर शहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है वो यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है और जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाते हैं तो पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देते हैं पठान मिसाइल के स्थान के बारे में से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रुबीना द्वारा कादिर को मार लिया जाता है तब पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वह एक केविन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रुबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से बड़े हवाई जहाज में है वो पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है जो लुथारा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फ़ोन किया है केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख के रूप में बनाया गया था जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मड़ों प्रांत सम्मानित किया गया है तो क्रेडिट के बाद भारत के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्ति होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर आई जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने काम किया है तो उनके बारे में हम जानते हैं तो शाहरुख खान एजेंट पठान के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और दीपिका पातकोड़ आई एस आई की पूर्व एजेंट रूबीना मोहसिन हैं जान अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और पूर्व एजेंट जिम हैं मनीष माधवा जो जनरल कादिर हैं आशुतोष राणा कर्नल सुनील लुथारा हैं डिम्पल कपाड़िया नंदनी जे ओ सी आर की प्रमुख हैं सलमान खान अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में हैं प्रेम झंगियानी डॉक्टर फरुखी हैं और प्रकाश बेलावाड़ी डॉक्टर सहानी हैं साजिद चौधरी रजा जे ओ सी आर के सदस्य हैं एकता कौल श्वेता जो जे ओ सी आर की सदस्य हैं आकाश भतीजा जो अमोल जे ओ सी की सदस्य हैं दिंगता हजारिका जोसेफ जे आर सी की सदस्यता हैं बिरा पटेल ऋषि जे आर सी की सदस्यता हैं रजत कौल राफे जिम का गुर्गा है मनीष वादवा जनरल कादिर हैं रूमी खान जिम का गुर्गा है जो मानसी तक्षक हैं जो जिम की पत्नी हैं आशुतोष सिंह हैं रूबी के पिता हैं अमनप्रीत हुंदल जो रुबाई की माँ हैं और कथित सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट हैं राकेश खिंदी ए टी एस हैं और मुश्ताक अक्सरी फयाद हैं और निकहत खान सबा पठान की पालक माँ हैं ग्रेसर गिरधर युवा रुबाई हैं तूफेंस पठान फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक बेशर्म कुमार रंग इसे गाया है विशाल शेखर और विशाल डलडलानी शेखर रविजानी और शिल्पा राव कैरिलसा मोन्टेरो ने नंबर दो झूमे जो पठान इसे कुमार शेखर और विशाल दलदलानी अरिजीत सिंह सकृति कक्कड़ विशाल शेखर ने गाया है नंबर तीन पठान की थीम इसे विशाल शेखर और मकदोलैना सुपेल किट और मधुकी जी ने गाया है नंबर चार जिम की थीम इसे विशाल शेखर और मान्या नारंग और रिया दुग्गल जी ने गाया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की रिलीज के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है फिल्म को भारत में आई एम एक्स संस्करणों के साथ साधारण संस्करणों में प्रदर्शित किया गया है पठान पहली भारतीय फिल्म थी जो आई सी आई थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी पठान को दुनिया भर में 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें भारत में हिंदी के 5000 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के 450 स्क्रीन शामिल हैं फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः अमेजन प्राइम वीडियो और स्टार नेटवर्क द्वारा अधिगृत किए गए थे जिसे पच्चीस अप्रैल दो को प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फिल्म का बेशर्म रंग गीत दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के आरोप के बाद विवादों में आ गया था यह गीत अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अनादर करता है क्योंकि दीपिका गाने में भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देती हैं इस फिल्म को लेकर मुस्लिम पठान लोगों ने भी गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रदर्शन किया था उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पठान लोगों को जैसे दिखाया गया है वैसे हम लोग नहीं हैं ये सच है कि फिल्म के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शाहरुख खान के पुतले और पोस्टर जलाए गए थे फिल्म पर हंगामा का कारण ये भी आया क्योंकि इसे पहले आमिर खान की बुरी तरह फ्लाप हो गई थी और काफ़ी बड़ी फिल्में भी फ्लाप हुई हैं तो ये फिल्म भी फ्लाप होनी चाहिए यह लोगों का मानना था कि फिल्म को इस का कुछ फायदा हुआ है जिसे नकारात्मक प्रचार करते हुए दोस्तों आइए हम पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें कि फिल्म ने भारत में 270 करोड़ की कमाई के साथ अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 410 करोड़ का सकल संग्रह किया था फिल्म ने हिंदी भाषा में रिलीज़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत दिया ये पहले दिन विश्व स्तर पर 110 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की है पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदुस्तान में पाँच करोड़ की नेट कमाई की है गैरतलब है कि पठान ही है वो पहली फिल्म जिसने चार करोड़ की नेट कमाई की थी अपने रिलीज़ के अट्ठाईस दिन पठान ने एक हज़ार करोड़ की कमाई की और यह भारत की पांचवी और बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने यह कारनामा कर दिया है एक मार्च 2023 तक फिल्म ने भारत में पाँच सौ चालीस करोड़ यू एस मिलियन और विदेशों में तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में एक हज़ार पचपन पॉइंट उनतालीस करोड़ यू एस एक सौ इकतीस मिलियन का सकल संग्रह किया है यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और खान के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया गया है आज तक की फिल्म की कुल कमाई लगभग एक करोड़ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है तो बॉलीवुड हंगामे के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चौदह पॉइंट पांच सितारे दिए हैं और कहा है कि फिल्म को एक्शन भावनाओं देशभक्ति हास्य रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर मनोरंजन कहा है और सुकन्या वर्मा रेटफी ने फिल्म को पांच में से चौदह सितारों की रेटिंग दी है और फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म को पांच में से चौदह सितारे दिए हैं और एन के सबल चटर्जी ने फिल्म को पांच में से तेरह की रेटिंग दी है और बेब दुनिया के समय ताम्रकर ने फिल्म को पाँच में से तेरह सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान की कहानी रूटीन जरूर है लेकिन उसे पेश करने का तरीका ही है फिल्म को खास बनाता है द रन टाइम ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान में मसाला पार्ट ब्लैर की सभी सामग्रियाँ हैं पिंक पिला के हेमेश माकवड़ ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और कहा इसे टेट इवेंट फिल्म कहा जिसमें सही मात्रा में एक्शन थ्रिल इमोशनल और ड्रामा है द क्यूंट की तनिषा बख्ची ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और डी एन ए ने इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और प्रदर्शन की प्रशंसा की है स्कोर किया है लेकिन कुछ एक्शन दृश्यों को ओवर द टॉप और अविश्वसनीय करार दिया है जी न्यूज़ की रितिका हांडू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच स्टार की रेटिंग दी है और उल्लेख किया है कि इस यशराज फिल्म एक्शन में एक भी सुस्त क्षण नहीं है शाहरुख खान और जान के बीच एक एक्शन सीक्वेंस दिमाग सुन कर देने वाला है इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने फिल्म को पाँच में से तेरह स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान पठान का दिल है द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और लिखा है कि शाहरुख खान अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है लेकिन फिल्म के दूसरे भाग की भी आलोचना की गई है मैसबल के फेन ने फिल्म को पांच में से पांच की रेटिंग दी है और लिखा है कि बीजीएम विजुअल और स्क्रीन प्ले सभी मिलकर एक जन मनोरंजन बनाते हैं सलमान खान कुछ कुछ होता है करण अर्जुन हर दिल जो प्यार करेगा हम तुम्हारे हैं सनम और पठान फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं शाहरुख खान ने चार साल के बाद फिल्मों में वापसी की है और इससे पहले कि वो जीरो फिल्म 2018 में नजर आई थी इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार जान अब्राहम और आशुतोष राणा के साथ काम किया था टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुप्रचिष्ठित फिल्म का इंतजार कर रहे हैं इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई है तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर जवान की सफलता का लुत्फ तो उठा रहे हैं एडली के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिनेमा प्रेमियों को किंग खान और नैन तारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है वहीं दीपिका पातकोण अपने कैमियो रोल में फैंस को दीवाना बना रही हैं इस बीच एस आर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जी हां सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से शाहरुख खान ने चार साल बाद बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था फिल्म में भाईजान यानी कि सलमान खान भी कैमियो रोल में नजर आए थे दोनों खान की जोड़ी पर्दे पर ब्लैक साबित हुई थी एक तरफ सलमान खान जहां अपनी इस अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री को लेकर बिजी हैं वहीं दूसरी तरफ फैंस शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुसूचित फिल्म का इंतजार कर रहे थे इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन दोनों सुपरस्टार को फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और मीडिया रिपोर्टरों की माने तो दोनों मेगा स्टार ने स्क्रिप्ट पर अपनी सहमति जताई है जिसके बाद टाइगर बनाम पठान की स्क्रिप्ट लाख हो गई है जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से सिनेमा प्रेमियों को इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हुए थे आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और, और सलमान खान के साथ बैठक की और उन्हें फिल्म के बारे में बताया दोनों को फिल्म की कहानी पसंद आई और फिल्म अब मार्च में फ्लोर पर जाएगी बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी टाइगर वर्सेज पठान एक्शन से भरपूर होने वाली है फिल्म कबीर खान की एक था टाइगर अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है सिद्धार्थ आनंद की वार और पठान और मनीष शर्मा की बाद वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म होगी अपनी कम फिल्म पठान में शाहरुख खान एक भारतीय खुफिया एजेंट के रोल में है जिसका कोर्ट नेम पठान है वहीं दीपिका पातकोड भी किंग खान की तरह जासूस बनी है उधर जान अब्राहम एक खतरनाक आतंकवादी के रोल में है जो कंट्रैक्ट पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक आतंकवादी जान भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है जो भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी खबर लगती है तो वो उसे निपटाने के लिए अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को एक्टिव करते हैं जान के खिलाफ मिशन में पठान को दीपिका पातकोण का भी साथ मिलता है क्या पठान अपने देश को सबसे खतरनाक आतंकवादी से बचाने की जंग में कामयाब हो पाते हैं या नहीं यह जानने के लिए आपको सिनेमाई घर जाना होगा और शाहरुख खान की फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होने के साथ ही मूवी विवादों में आ गई है इसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस किया था फिल्म का बड़े स्तर पर बायकॉट भी किया गया है ऐसे में दर्शक इस फिल्म की कहानी जानने को लेकर बहुत उत्सुक हैं करीब चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे शाहरुख खान ने एडवांस बुकिंग के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है सोमवार रात तक टाप थ्री नेशनल सिनेमा चैन पर फिल्म पठान के चार लाख उन्नीस हज़ार टिकट बिक चुके हैं इस मामले में पठान अभी हिंदी डब फिल्मों के, के जी एफ टू और बाहुबली टू से पीछे है के जी एफ टू के पहले दिन के सोच के लिए पाँच लाख पंद्रह हजार एडवांस टिकट बिके थे जबकि बाहुबली टू के पहले दिन के लिए साढ़े छः लाख टिकट बिके थे पठान के लिए दर्शकों का क्रेज़ क्या है इतना ख़ास तो पठान के लिए दर्शकों का क्रेज, तो क्रेज इसीलिए ख़ास माना जा रहा है क्योंकि बाबुली टू और के जी एफ टू दोनों ही सीक्वल फिल्में थीं और के जी एफ टू तो अंबेडकर जयंती की छुट्टी वाले दिन रिलीज हुई थी वहीं पठान ना तो कोई सीक्वल फिल्म है और ना ही किसी हॉलीडे हाँ पर रिलीज हो रही है इस तरह पठान ने पहले दिन सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन और टाइगर शराफ की फिल्म वार के नाम था और एक लंबे समय से देश के सिनेमाई घरों का नजरा बंद के फैंस का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर की रौनक ऐसी थी कि मानो कोई त्यौहार है गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तेजो तर्रार और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के बाद बादशाह शाहरुख खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम बैक कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा की पठान फैंस के लिए हाई अटेक्शन एक्शन और इंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यशराज की स्पाई इनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लेवरेज है कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है और वो भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकवादी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जीन जॉन अब्राहम है एक समय में राका का जांगबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यही से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने का आमदा हो जाता है और इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदनी यानी कि डिंपल कापाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लुथारा यानी कि आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उनके टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर पठान की मुलाकात आईएसआई आई की एजेंट रूबीना यानी कि देविका पादकोंट से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वंस का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित करती है जो विश्वास और विश्वाघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई दे चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएंगे देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब के जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कैरियर की शुरुआत में हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों की मगर बैग बैग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध हैं मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मालवल की फिल्में सरीखा इफेक्ट देने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरी है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर और आल्टन ट्विस्ट एक्सार्टिक लोकेशन हीरो विलेन के बीच सा और मात चुटकुले स कॉमेडी कमेडी का तगड़ा जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लाट पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेकिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हरितगंज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइलिस्ट बीएफएक्स एफ एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका बिना और लोकेंस का अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशर्म रंग और झू में जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लैक बॉस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह है कि किरदारों के लुक और कस्टडियम पर खास मेहनत की गई है तो पठान में किंग खान अपने कम को सही मायने में सार्थक करते हैं एस आर के का लुक हो आँखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वेग और एक सोल्जर देश ने यह नहीं पूछा कि देश के लिए क्या किया है और क्या करना है मुझे वो देश के लिए क्या कर सकते हैं जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शाहरुख खान अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक करते नजर आ रहे हैं तो फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट जिसमें कि जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और बिल काफडेट बिलेन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उसे बिलन से कहीं भी कमतर लगता दिखाई दे रहा है जान अब्राहम ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी कि सलमान खान 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेबर पर ले जाती है सलमान खान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत बड़ा फायदा मिलता है शाहरुख खान की और सलमान खान की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों के हाथों हाथ लेते हैं और दीपिका पादुकोण को मजदूगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रूबियाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न पर्दों को बखूबी निभाया है बॉलीवुड हीरोइन को हीरो और विलेन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखा अच्छा लगता है डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंक देते हैं सहयोगी कास्ट अच्छी भी है शाहरुख खान सलमान खान जान के चाहने वाले एक एक्शन फिल्मों के के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म पठान की सफलता के दौरान फिल्म टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया गया था यशराज फिल्म के बैनर तले इस धमाकेदार एक्शन फिल्म का निर्माण होना है जबकि पठान और वार जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस यशराज बैनर की स्पाई इनवर्स की अगली पेशकश की कमान संभालेंगे मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है बताया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान ने अपनी ओर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल कर लॉक कर दिया है इतना ही नहीं अपडेट भी मिला है कि अगले साल मार्च में जाकर टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है जबकि इस मूवी से जुड़ी बेसिक तैयारियों का आरंभ आने वाले नवंबर से हो सकता है अगर ऐसा वास्तव में तय समय के अनुसार होता है तो कुछ वक्त बाद ही फैंस को सिनेमाई घरों में टाइगर वर्सेस पठान का धमाका देखने को मिल सकता है बेशक फिल्म पठान में सलमान खान का कैमियो रोल था लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में टाइगर की एंट्री ने धूम मचा दी है और मूवी मेगा ब्लैक बॉस्टर साबित हुई है इस साल पठान की अपार सफलता के बाद अब आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म बैनर तले बनी अगली स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर थ्री रिलीज के लिए तैयार है हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है गौर करें कि टाइगर थ्री की रिलीज डेट की और इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं यह फिल्म साल 25 जनवरी 2023 में रिलीज हो रही है इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियों करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिल्म में बुजुर्ग खलीफा पर जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया गया है पठान से पच्चीस जुलाई दो को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया था फिल्म का टीजर दो नवम्बर दो को रिलीज किया गया था और ट्रेलर दस जनवरी दो को जारी किया गया है और इस फिल्म का पहला गाना बेसरम रंग 12 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था तो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सी बीएफसी से शाहरुख खान ने पठान को सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया है इसके अलावा कई विवादस्पद दृश्यों को काट दिया गया है और पठान से पहले दूसरे भाग के लिए अंतिम रन टाइम क्रमशः एक घंटा और दस मिनट और एक घंटा सोलह मिनट निर्धारित किया गया है और अंत में हमें लगभग दो घंटे छत बीस मिनट का प्ले टाइम मिलता है तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर से जहाँ तीन की धारा के हटते ही पाकिस्तान में खलबली मच जाती है आगे एक निजी टेरिस्ट गैंगस्टर दिखाया जाता है जो जिसका नाम जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है और इसका लीडर जिम जान अब्राहम होता है जिम कभी इस हिंदुस्तान का जवान हुआ करता था हिंदुस्तान से नफ़रत की भी जिम की एक कहानी होती है और अब एक टेरिस्ट बन चुका है जिम को इंडिया में ब्लास्टर करने का एक मिशन सौंपा जाता है जिसके तहत वो एक ऐसे वायरस को भारत में डालना चाहता है जो कुछ ही मिनटों में पूरे देश को ख़त्म करने की क्षमता रखता है तो ऐसे में वन वास रहे पठान को बुलाया जाता है जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है इस मिशन में रूबीना यानी कि दीपका पातकोण भी पठान के साथ आती हैं लेकिन क्या पठान सबसे खतरनाक आतंक से अपने देश को बचा पाएगा या उसके पीठ पर धोखे का खंजर भोंका जाएगा यह जानना जबरदस्त होगा यही इस फिल्म की कहानी का फ्लाट है तो पठान फिल्म के पहले गाने बेसर्म रंग से इस फिल्म की कंट्रोवर्सी बेहद तेजी से साथ बढ़ती है गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इस गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनी है इस रंग का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है इस पर एक्शन लेते हुए विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म पठान पर जमकर विरोध किया है और फिल्म निर्माताओं को फिल्म पठान से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है तो इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर और कलाकार हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए सिनेमा बनाते हैं यहां तक कि बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की एक अदालत में दायर एक आरोप में याचिका के अनुसार शाहरुख खान और दीपिका पातकोण पर उनकी नई फिल्म पठान के गीत बेसम रंग में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है और यह 25 जनवरी 2022 को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है ओ पर रिलीज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद यह फिल्म 22 20 मार्च 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो रही है तो पठान 2023 की भारती की भारतीय हिंदी भाषा जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म के तहत निर्मित किया गया है वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकोण और जान अब्राहम है ये एक टाइगर दो टाइगर जिंदा है दो और वार दो के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है यह यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है यह फिल्म, यह फिल्म वाई आर एफ की पहली डाबलिंग सिनेमा रिलीज हुई है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आई मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है तो फिर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद जी ने और इस फिल्म को लिखा है सिद्धार्थ आनंद और सुरेश नैर ने और इस फिल्म के निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा जी और इस फिल्म को कास्ट किया है शाहरुख खान दीपिका पातकोण जन अब्राहम आशुतोष राणा डिम्पल कपाड़िया सलमान खान और सिद्धार्थ गेंगडमल ने और इस फिल्म को छायांकित किया है बेजामिल जयसपर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर जी ने निर्माण कंपनी है यशराज फिल्म के तहत इस फिल्म का निर्माण किया गया है तो फ्रेंड्स से इस फिल्म को रिलीज किया गया है पच्चीस जनवरी दो को देश भारत में और बारह मई दो को बांग्लादेश में यह फिल्म 146 मिनट की है और देश भारत में और भाषा हिंदी में तो फ्रेंड्स इस फिल्म के कुल कारोबार की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया है एक हजार पचास पॉइंट तीन करोड़ रुपए का तो पठान को भारत में पच्चीस जनवरी दो हजार को गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ नाटकीय रिलीज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई थी जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों और संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है इस फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ यूएस तेरह मिलियन की कमाई की है जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और कई सेट भारत में अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और एक हिंदी भाषा की फिल्म के लिए है तो फ्रेंड्स बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो सन 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा देता है को रद्द कर दिया है और यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं वो जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करते हैं इस बीच पठान एक रा एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जे ओ सी आर नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से, से सेवानिवृत्ति हुए लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं राज्य संयुक्त सचिव कर्नल सु, सुनील लुथारा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी परियोजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूखी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करते हैं और पठान इसे रोकने की कोशिश करता है डॉक्टर जिम सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं तो मुख्यालय में लुथारे ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रा एजेंट थे जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को नाटक किया था और वह अपने देश के खिलाफ विरोध प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमालियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है तो पठान का रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और ये भी दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा इस्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था वो स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जहाँ उसे यह भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है तो बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मास्को में है और दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्तबीज चुराते हैं पठान और रूबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रूबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और ये पता चलता है कि जिम ने रक्त भी चुराने के लिए वास्तव में रूबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आते हैं जैसे कि नंदिनी ने मेकर्स कोर्ट के माध्यम से सूचित किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मी और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहां नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देता है और डॉक्टर शहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है वो यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रुवीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है और जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाते हैं तो पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देते हैं पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफिसी पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि सैनिकों को एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है तब पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वह एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज़ में है वो पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है जो लुथारा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फ़ोन किया है केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जिम द्वारा छुरा घोपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख के रूप में बनाया गया था जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मणों प्रांत सम्मानित किया गया है तो क्रेडिट के बाद भारत तो दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्ति होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में हम जानते हैं तो शाहरुख खान एजेंट पठान के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और दीपिका पातकोण आई एस आई की पूर्व एजेंट रूबीना मोहसिन हैं जान अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और पूर्व रा एजेंट जिम हैं मनीष माधवा जो जनरल कादिर हैं आशुतोष राणा कर्नल सुनील लुथारा हैं डिम्पल कपाड़िया नंदनी जे ओ सी आर की प्रमुख हैं सलमान खान अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में हैं प्रेम झंगियानी डॉक्टर फरुखी हैं और प्रकाश बेलावाड़ी डॉक्टर सहानी हैं साजिद चौधरी रजा जे ओ सी आर के सदस्य हैं एकता कौल श्वेता जो जे ओ सी आर की सदस्य हैं आकाश भतीजा जो अमोल जे ओ सी की सदस्य हैं दिंगता हजारिका जोसेफ जे जो आर सी की सदस्यता हैं बिरा पटेल ऋषि जे आर सी की सदस्यता हैं रजत कौल राफे जिम का गुर्गा है मनीष वादवा जनरल कादिर हैं रूमी खान जिम का गुर्गा है जो मानसी तक्षक हैं जो जिम की पत्नी हैं आशतोष सिंह हैं रूबी के पिता हैं अमनप्रीत हुंदल जो रुबाई की माँ हैं और कथित सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट हैं राकेश खिंदी एटीएस टी हैं और मुश्ताक अक्सरी फयाद हैं और निकहत खान सबा पठान की पालक माँ हैं ग्रेसर गिरधर युवा रुबाई हैं तूफेंस पठान फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक बेसर्म कुमार रंग इसे गाया है विशाल शेखर और विशाल डलडलानी शेखर रविजानी और शिल्पा राव कैरिलसा मोंटेरो ने नंबर दो झूमे जो पठान इसे कुमार शेखर और विशाल दलदलानी अरिजीत सिंह सकृति कक्कड़ विशाल शेखर ने गाया है नंबर तीन पठान की थीम इसे विशाल शेखर और लेना सुपेल किट और मधुमुखी जी ने गाया है नंबर चार जिम की थीम इसे विशाल शेखर और मान्या नारंग और रिया दुग्गल जी ने गाया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की रिलीज के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म पच्चीस जनवरी दो को रिलीज हुई है फिल्म को भारत में आई एम एक्स संस्करणों के साथ साधारण संस्करणों में प्रदर्शित किया गया है पठान पहली भारतीय फिल्म थी जो आईसीआई थ्रेटर प्रारूप में रिलीज हुई थी पठान को दुनिया भर में 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें भारत में हिंदी के 5000 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के 450 स्क्रीन शामिल हैं फ़िल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः अमेजन प्राइम वीडियो और स्टार नेटवर्क द्वारा अधिग्रत किए गए थे जिसे पच्चीस अप्रैल दो को प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फ़िल्म का बेशर्म रंग गीत दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के आरोप के बाद विवादों में आ गया था यह गीत अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अनादर करता है क्योंकि दीपिका गाने में भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देती हैं इस फिल्म को लेकर मुस्लिम पठान लोगों ने भी गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी प्रदर्शन किया था उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पठान लोगों को जैसे दिखाया गया है वैसे हम लोग नहीं हैं ये सच है कि फिल्म के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शाहरुख खान के पुतले और पोस्टर जलाए गए थे फिल्म पर हंगामा का कारण ये भी आया क्योंकि इसे पहले आमिर खान की फिल्म बुरी तरह फ्लाप हो गई थी और काफ़ी बड़ी फिल्में भी फ्लाप हुई हैं तो ये फिल्म भी फ्लाप होनी चाहिए यह लोगों का मानना था कि फिल्म को इस का कुछ फायदा हुआ है जिसे नकारात्मक प्रचार करते हुए दोस्तों आइए हम पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें कि फिल्म ने भारत में 270 करोड़ की कमाई के साथ अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 410 करोड़ का सकल संग्रह किया था फिल्म ने हिंदी भाषा में रिलीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत दिया यह पहले दिन विश्व स्तर पर 110 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की है पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदुस्तान में पाँच करोड़ की नेट कमाई की है गैरतलब है कि पठान ही है वो पहली फिल्म जिसने चार करोड़ की नेट कमाई की थी अपने रिलीज के अट्ठाईस दिन पठान ने एक हज़ार करोड़ की कमाई की और यह भारत की पांचवी और बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने यह कारनामा कर दिया है एक मार्च 2023 तक फिल्म ने भारत में पाँच सौ चालीस करोड़ यू एस मिलियन और विदेशों में तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में एक हज़ार पचपन पॉइंट उनतालीस करोड़ यूएस एक सौ इकतीस मिलियन का सकल संग्रह किया है यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया गया है आज तक की फिल्म की कुल कमाई लगभग एक करोड़ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है तो बॉलीवुड हंगामे के तर्ण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चौदह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और कहा है कि फिल्म को एक्शन भावनाओं देशभक्ति हास्य रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर मनोरंजन कहा है और सुकन्या वर्मा रेटफी ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारों की रेटिंग दी है और फिल्म फेयर के विद देवेश शर्मा ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारे दिए हैं और एन के शैबल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से तेरह की रेटिंग दी है और बेब दुनिया के समय ताम्रकर ने फिल्म को पाँच में से तेरह सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान की कहानी रूटीन जरूर है लेकिन उसे पेश करने का तरीका ही है फिल्म को खास बनाता है द रन टाइम ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहारे ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान में मसाला पार्ट ब्लैर की सभी सामग्रियाँ हैं पिंक पिला के हिमेश माकवड़ ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और कहा इसे टेट इवेंट फिल्म कहा जिसमें सही मात्रा में एक्शन थ्रिल इमोशनल और ड्रामा है द क्विंट की तनिषा बख्ची ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और डी एन ए ने इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और प्रदर्शन की प्रशंसा की है स्कोर किया है लेकिन कुछ एक्शन दृश्यों को ओवर द टॉप और अविश्वसनीय करार दिया है जी न्यूज की रितिका हंडू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच स्टार की रेटिंग दी है और उल्लेख किया है कि इस यसराज फिल्म एक्शन में एक भी सुस्त क्षण नहीं है शाहरुख खान और जान के बीच एक एक्शन सीक्वेंस दिमाग सुन कर देने वाला है इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने फिल्म को पाँच में से तेरह स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान पठान का दिल है द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और लिखा है कि शाहरुख खान अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है लेकिन फिल्म के दूसरे भाग की भी आलोचना की गई है मैसबल के फेन चियू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और लिखा है कि बी बीजीएम विजुअल अपलाट और स्क्रीन प्ले सभी मिलकर एक संपूर्ण जन मनोरंजन बनाते हैं सलमान खान कुछ कुछ होता है करण अर्जुन हर दिल जो प्यार करेगा हम तुम्हारे हैं सनम और पठान फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं शाहरुख खान ने चार साल के बाद फिल्मों में वापसी की है और इससे पहले कि वो जीरो फिल्म 2018 में नजर आई थी इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार जान अब्राहम और आशुतोष राणा के साथ काम किया था टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुप्रशिष्ठित फिल्म का इंतजार कर रहे हैं इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई है तो बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर जवान की सफलता का लुत्फ तो उठा रहे हैं एडली के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिनेमा प्रेमियों को किंग खान और नैन तारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है वहीं दीपिका पातकोड़ अपने कैमियों रोल में फैंस को दीवाना बना रही हैं इस बीच एस आर के के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जी हां सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से शाहरुख खान ने चार साल बाद बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था फिल्म में भाईजान यानी कि सलमान खान भी कैमियों रोल में नजर आए थे दोनों खान की जोड़ी पर्दे पर ब्लैक साबित हुई थी एक तरफ सलमान खान जहां अपनी इस अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री को लेकर बिजी हैं वहीं दूसरी तरफ फैंस शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुसूचित फिल्म का इंतजार कर रहे थे इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन दोनों सुपरस्टार को फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और मीडिया रिपोर्टरों की माने तो दोनों मेगा स्टार ने स्क्रिप्ट पर अपनी सहमति जताई है जिसके बाद टाइगर बनाम पठान की स्क्रिप्ट लाख हो गई है जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से सिनेमा प्रेमियों को इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हुए थे आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और मा... और सलमान खान के साथ बैठक की और उन्हें फिल्म के बारे में बताया दोनों को फिल्म की कहानी पसंद आई और फिल्म अब मार्च में फ्लोर पर जाएगी बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी टाइगर वर्सेज पठान एक्शन से भरपूर होने वाली है फिल्म कबीर खान की एक था टाइगर अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है सिद्धार्थ आनंद की वार और पठान और मनीष शर्मा की बाद वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म होगी अपनी कम फिल्म पठान में शाहरुख खान एक भारतीय खुफिया एजेंट के रोल में हैं, जिसका कोर्ट नेम पठान है वहीं दीपिका पादकोट भी किंग खान की तरह जासूस बनी हैं। उधर जान अब्राहम एक खतरनाक आतंकवादी के रोल में हैं। जो कंट्रैक्ट पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक आतंकवादी जान भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है जो भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी खबर लगती है तो वो उसे निपटाने के लिए अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को एक्टिव करते हैं जान के खिलाफ मिशन में पठान को दीपिका पातकोण का भी साथ मिलता है क्या पठान अपने देश को सबसे खतरनाक आतंकवादी से बचाने की जंग में कामयाब हो पाते हैं मूवी विवादों में आ गई है इसमें दीपिका पादकोर ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस किया था फिल्म का बड़े स्तर पर बायकॉट भी किया गया है ऐसे में दर्शक इस फिल्म की कहानी जानने को लेकर बहुत उत्सुक हैं करीब चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे शाहरुख खान ने एडवांस बुकिंग के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है सोमवार रात तक टाप थ्री नेशनल सिनेमा चेन पर फिल्म पठान के चार लाख उन्नीस हज़ार टिकट बिक चुके हैं इस मामले में पठान अभी हिंदी डब फिल्मों के जी एफ टू और बाहुबली टू से पीछे है के जी एफ टू के पहले दिन के सोच के लिए पाँच लाख पंद्रह हजार एडवांस टिकट बिके थे जबकि बाहुबली टू के पहले दिन के लिए साढ़े छः लाख टिकट बिके थे पठान के लिए दर्शकों का क्रेज क्या है इतना खास तो पठान के लिए दर्शकों का क्रेज इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि बाहुबली टू और के जी एफ टू दोनों ही सिक्वेल फिल्में थीं और के जी एफ टू तो अंबेडकर जयंती की छुट्टी वाले दिन रिलीज हुई थी वहीं पठान ना तो कोई सीक्वल फिल्म है और ना ही किसी हॉलीडे पर रिलीज हो रही है इस तरह पठान ने पहले दिन सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन और टाइगर शराब की फिल्म वार के नाम था और एक लंबे समय से देश के सिनेमाई घरों का नाजरा बदल चुका है और मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान के फैंस का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा था जी हाँ थिएटर की रौनक ऐसी थी कि मानो कोई त्यौहार है गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तेजोतर्रार और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के बाद बादशाह शाहरुख खान पूरे चार साल बाद स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा की पठान फैंस के लिए हाई अटेक्शन एक्शन और इंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यशराज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लेवरेज है कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है और वो भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकवादी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जिन जॉन अब्राहम है एक समय में रा का और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने कुर्ता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यही से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने का आमदा हो जाता है और इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदनी यानी कि डिंपल कापाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लुथारा यानी कि आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उनके टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर पठान की मुलाकात आईएसआई आई की एजेंट रूबीना यानी कि देविका पादकोंड से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वंस का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित करती है जो विश्वास और विश्वाघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई दे चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएंगे देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब के जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कैरियर की शुरुआत में हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों की मगर बैग बैग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए के लिए कटिबद्ध हैं मगर एक्शन और स्पेशल इफेक्ट मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मालवल की फिल्में सरीखा इफेक्ट देने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरी है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट एक्सार्टिक लोकेशन हीरो विलेन के बीच सा और मात चुटकुले समात कॉमेडी का तगड़ा जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लाट पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेकिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हरितगंज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइलिस्ट बी एफ एक्स सिनेमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका नैबिना और लोकेंस का अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं बेशर्म रंग और झू में जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लैक बॉस्टर साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह है कि किरदारों के लुक और कस्टडियो पर खास मेहनत की गई है तो पठान में किंग खान अपने कम को सही मायने में सार्थक करते हैं एस आर के का लुक हो आँखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वेग और एक सोल्जर देश ने यह नहीं पूछा कि देश के लिए क्या किया है और क्या करना है मुझे वो देश के लिए क्या कर सकते हैं जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शाहरुख खान अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक करते नजर आ रहे हैं तो फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट जिसमें कि जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और बिल काफ़डेट बिलेन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उसे बिलेन से कहीं भी कमतर लगता दिखाई दे रहा है जान अब्राहम ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी कि सलमान खान 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेबर पर ले जाती है सलमान खान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है शाहरुख खान की और सलमान खान की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों के हाथों हाथ लेते हैं और दीपिका पादकोण को मजदूगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रूबियाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न पर्तों को बखूबी निभाया है बॉलीवुड हीरोइन को हीरो और विलेन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखा अच्छा लगता है डिम्पल कापाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंक देते हैं सहयोगी कास्ट अच्छी भी हैं शाहरुख खान सलमान खान जान के चाहने वाले एक एक्शन फिल्मों के शौकीनियों के लिए ए मस्ट वॉच फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म पठान की सफलता के दौरान फिल्म टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया गया था यशराज फिल्म के बैनर तले इस धमाकेदार एक्शन फिल्म का निर्माण होना है जबकि पठान और वार जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की अगली पेशकश की कमान संभालेंगे मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है बताया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान ने अपनी ओर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल कर लॉक कर दिया है इतना ही नहीं अपडेट भी मिला है कि अगले साल मार्च में जाकर टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है जबकि इस मूवी से जुड़ी बेसिक तैयारियों का आरंभ आने वाले नवंबर से हो सकता है अगर ऐसा वास्तव में तय समय के अनुसार होता है तो कुछ वक्त बाद ही फैंस को सिनेमाई घरों में टाइगर वर्सेस पठान का धमाका देखने को मिल सकता है बेशक फिल्म पठान में सलमान खान का कैमियो रोल था लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में टाइगर की एंट्री ने धूम मचा दी है और मूवी मेगा ब्लैक बोस्टर साबित हुई है इस साल पठान की अपार सफलता के बाद अब आदित्य चोपड़ा के एसराज फिल्म बैनर तले बनी अगली स्पाइफ थ्रिलर फिल्म टाइगर थ्री रिलीज के लिए तैयार है हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है गौर करें कि टाइगर थ्री की रिलीज डेट की जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है और इसका लीडर जिम जान अब्राहम होता है जिम कभी हिंदुस्तान का जवान हुआ करता था हिंदुस्तान से नफ़रत की भी जिम की एक कहानी होती है और अब एक टेरिस्ट बन चुका है जिम को इंडिया में ब्लास्टर करने का एक मिशन सौंपा जाता है जिसके तहत वो एक ऐसे वायरस को भारत में डालना चाहता है जो कुछ ही मिनटों में पूरे देश को ख़त्म करने की क्षमता रखता है तो ऐसे में वन वास रहे पठान को बुलाया जाता है जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है इस मिशन में रूबीना यान की दीपिका पातकोण भी पठान के साथ आती हैं लेकिन क्या पठान सबसे खतरनाक आतंक से अपने देश को बचा पाएगा या उसके पीठ पर धोखे का खंजर भोंका जाएगा यह जानना जबरदस्त होगा यही इस फिल्म की कहानी का फ्लाट है तो पठान फिल्म के पहले गाने बेसर्म रंग से इस फिल्म की कंट्रोवर्सी बेहद तेजी से साथ बढ़ती है गाने में पादुकोण ने इस गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनी है इस रंग का अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है इस पर एक्शन लेते हुए विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म पठान पर जमकर विरोध किया है और फिल्म निर्माताओं को फिल्म पठान से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है तो इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर और कलाकार हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए सिनेमा बनाते हैं यहां तक कि बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की एक अदालत में दायर एक आरोप में याचिका के अनुसार शाहरुख खान और दीपिका पादकोण पर उनकी नई फिल्म पठान के गीत बेसर्म रंग में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है और ये 25 जनवरी 2022 को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है ओ पर रिलीज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद ये फिल्म 22 मार्च 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज़ हो रही है पठान दो पठान 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकोण और जान अब्राहम है यह एक टाइगर दो टाइगर जिंदा है दो और वार दो के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है यह यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है यह फिल्म यह फिल्म वाई आर एफ की पहली डाबलिंग सिनेमा रिलीज हुई है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आई मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद जी ने और इस फिल्म को लिखा है सिद्धार्थ आनंद और सुरेश नैर ने और इस फिल्म के निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा जी और इस फिल्म को स्टार कास्ट किया है शाहरुख खान दीपिका पातकोण जन अब्राहम आशुतोष राणा डिम्पल कपाड़िया सलमान खान और सिद्धार्थ गेंगडमल ने और इस फिल्म को छांकित किया है बेजामिल जैसपर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर जी ने निर्माण कंपनी है यशराज फिल्म के तहत तो इस फिल्म का निर्माण किया गया है तो फ्रेंड्स से इस फिल्म को रिलीज किया गया है पच्चीस जनवरी दो को देश भारत में और बारह मई दो को बांग्लादेश में यह फिल्म मिनट की है और देश भारत में और भाषा हिंदी में तो फ्रेंड्स इस फिल्म के कुल कारोबार की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया है इसमें करोड़ रुपए का तो पठान को भारत में 25 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस सप्ताह के साथ नाटकीय रिलीज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई थी जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों और संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है इस फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ यूएस तेरह मिलियन की कमाई की है जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और कई सेट भारत में अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और एक हिंदी भाषा की फिल्म के लिए है तो फ्रेंड्स बिना देरी इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो सन 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा देता है को रद्द कर दिया है और यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं वो जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करते हैं इस बीच पठान एक रा एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जेओसीआर नामक एक इकाई एक खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्ति हुए लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं राज्य संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथारा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी परियोजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूखी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करते हैं और पठान इसे रोकने की कोशिश करता है डॉक्टर जिम सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं तो मुख्यालय में लुथारे ने खुलासा किया जिम एक पूर्व रा एजेंट थे जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में नाटक किया था और वो अपने देश के खिलाफ विरोध प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और आजन में बच्चे की सोमालियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है तो पठान का रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और ये भी दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुवीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था वो स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जहाँ उसे यह भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रूबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है तो बाद में रूबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मास्को में है और दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्तबीज चुराते हैं पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहाँ रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह पता चलता है कि जिम ने रक्तबीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहां अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आते हैं जैसे कि नंदनी ने मेकर्स कोर्ट के माध्यम से सूचित किया था, पठान और टाइगर पुलिसकर्मी और काफिले को गोलियों से भून भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहाँ नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देता है और डॉक्टर शहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है वो यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रूबीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है और जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाते हैं तो पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देते हैं पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफ़ी पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि सैनिकों को एक जाल में फंसा पठान रूबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रूबीना द्वारा कादिर को मार लिया जाता है तब पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वह एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रूबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से बड़े हवाई जहाज़ में है वो पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है जो लुथारा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फ़ोन किया है केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जिम द्वारा छुरा घोपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख के रूप में बनाया गया था जबकि नंदिनी को उनकी बहादुरी के लिए मड़ों प्रांत सम्मानित किया गया है तो क्रेडिट के बाद भारत के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्ति होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने काम किया है तो उनके बारे में हम जानते हैं तो शाहरुख खान रा एजेंट पठान के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और दीपिका पातकोड़ आई एस आई की पूर्व एजेंट रूबीना मोहसिन हैं जान अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और पूर्व रा एजेंट जिम हैं मनीष माधवा जो जनरल कादिर हैं आशुतोष राणा कर्नल सुनील लुथारा हैं डिम्पल कपाड़िया नंदनी जे ओ सी आर की प्रमुख हैं सलमान खान अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में हैं प्रेम झंगियानी डॉक्टर फरुखी हैं और प्रकाश बेलावाड़ी डॉक्टर सहानी हैं साजिद चौधरी रजा जे ओ सी आर के सदस्य हैं एकता कौल श्वेता जो जे ओ सी आर की सदस्य हैं आकाश भतीजा जो अमोल जे ओ सी की सदस्य हैं दिंगता हजारिका जोसफ जे जो आर सी की सदस्यता हैं बिरा पटेल ऋषि जे आर सी की सदस्यता हैं रजत कौल राफे जिम का गुर्गा है मनीष वादवा जनरल कादिर हैं रूमी खान जिम का गुर्गा है जो मानसी तक्षक हैं जो जिम की पत्नी हैं आशतोष सिंह हैं रूबी के पिता हैं अमनप्रीत हुंदल जो रुबाई की माँ हैं और कथित सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट हैं राकेश खिंदी ए टी एस हैं और मुश्ताक अक्सरी फयाद हैं और निकहत खान सबा पठान की पालक माँ हैं ग्रेसर गिरधर युवा रुबाई हैं तुफिन्स पठान फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक बेशर्म कुमार रंग इसे गाया है विशाल शेखर और विशाल डलडलानी शेखर रविजानी और शिल्पा राव कैरिल्सा मोन्टेरों ने नंबर दो झूमे जो पठान इसे कुमार शेखर और विशाल दलदलानी अरिजीत सिंह सकृति कक्कड़ विशाल शेखर ने गाया है नंबर तीन पठान की थीम इसे विशाल शेखर और लेना सुपेल किट और मधुकी जी ने गाया है नंबर चार जिम की थीम इसे विशाल शेखर और मान्या नारंग और रिया दुग्गल जी ने गाया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की रिलीज के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है फिल्म को भारत में आई एम एक्स संस्करणों के साथ साधारण संस्करणों में प्रदर्शित किया गया है पठान पहली भारतीय फिल्म थी जो आई सी आई थिएटर प्रारूप में रिलीज हुई थी पठान को दुनिया भर में 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें भारत में हिंदी के 5000 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के 450 स्क्रीन शामिल हैं फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः अमेजन प्राइम वीडियो और स्टार नेटवर्क द्वारा अधिग्रत किए गए थे जिसे 25 अप्रैल दो को प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फिल्म का बेशर्म रंग गीत दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के आरोप के बाद विवादों में आ गया था यह गीत अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अनादर करता है क्योंकि दीपिका गाने में भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देती हैं इस फिल्म को लेकर मुस्लिम पठान लोगों ने भी गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी प्रदर्शन किया था उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पठान लोगों को जैसे दिखाया गया है वैसे हम लोग नहीं हैं ये सच है कि फिल्म के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शाहरुख खान के पुतले और पोस्टर जलाए गए थे फिल्म पर हंगामा का कारण ये भी आया क्योंकि इसे पहले आमिर खान की फिल्म बुरी तरह फलाफ हो गई थी और काफ़ी बड़ी फिल्में भी फ्लाप हुई हैं तो यह फिल्म भी फ्लाप होनी चाहिए यह लोगों का मानना था कि फिल्म को इसका इस कुछ फ़ायदा हुआ है जिसे नकारात्मक प्रचार करते हुए दोस्तों आइए हम पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें कि फिल्म ने भारत में 270 करोड़ की कमाई के साथ अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में चार सौ दस करोड़ का सकल संग्रह किया था फिल्म ने हिंदी भाषा में रिलीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत दिया ये पहले दिन विश्व स्तर पर एक सौ दस करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की है पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदुस्तान में पाँच सौ करोड़ की नेट कमाई की है गैरतलब है कि पठान ही है वो पहली फिल्म जिसने चार सौ करोड़ की नेट कमाई की थी अपने रिलीज के अट्ठाईस दिन पठान ने एक हज़ार करोड़ की कमाई की और यह भारत की पांचवी और बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने यह कारनामा कर दिया है एक मार्च 2023 तक फिल्म ने भारत में पाँच सौ चालीस करोड़ यू एस मिलियन और विदेशों में तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में एक हज़ार पचपन पॉइंट उनतालीस करोड़ यू एस एक सौ इकतीस मिलियन का सकल संग्रह किया है यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया गया है आज तक की फिल्म की कुल कमाई लगभग एक करोड़ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है तो बॉलीवुड हंगामे के तर्ण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चौदह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और कहा है कि फिल्म को एक्शन भावनाओं देशभक्ति हास्य रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर मनोरंजन कहा है और सुकन्या वर्मा रेडफी ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारों की रेटिंग दी है और फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारे दिए हैं और एन के सबल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से तेरह की रेटिंग दी है और बेब दुनिया के समय ताम्रकर ने फिल्म को पाँच में से तेरह सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान की कहानी रूटीन जरूर है लेकिन उसे पेश करने का तरीका ही है फिल्म को खास बनाता है द रन टाइम ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान में मसाला पार्ट ब्लैर की सभी सामग्रियाँ हैं पिंक पिला के हिमेश माकवड़ ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और कहा इसे टेटपोल इवेंट फिल्म कहा जिसमें सही मात्रा में एक्शन थ्रिल इमोशनल और ड्रामा है द दैक्यूंट की तनिषा बख्ची ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और डी एन ए ने इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और प्रदर्शन की प्रशंसा की है स्कोर किया है लेकिन कुछ एक्शन दृश्यों को ओवर द टॉप और अविश्वसनीय करार दिया है जी न्यूज़ की रितिका हंडू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच स्टार की रेटिंग दी है और उल्लेख किया है कि इस यशराज फिल्म एक्शन में एक भी सुस्त क्षण नहीं है शाहरुख खान और जान के बीच एक एक्शन सीक्वेंस दिमाग सुन कर देने वाला है इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने फिल्म को पाँच में से तेरह स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान पठान का दिल है द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और लिखा है कि शाहरुख खान अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है लेकिन फिल्म के दूसरे भाग की भी आलोचना की गई है मैसबल के फेयन ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और लिखा है कि बीजीएम विजुअल और स्क्रीन सभी मिलकर एक जन मनोरंजन बनाते हैं सलमान खान कुछ कुछ होता है करण अर्जुन हर दिल जो प्यार करेगा हम तुम्हारे हैं सनम और पठान फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं शाहरुख खान ने चार साल के बाद फिल्मों में वापसी की है और इससे पहले कि वो जीरो फिल्म 2018 में नजर आए थी इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार जान अब्राहम और आशुतोष राणा के साथ काम किया था टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुप्रशिष्ठित फिल्म का इंतजार कर रहे हैं इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई है तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर जवान की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं एडली के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिनेमा प्रेमियों को किंग खान और नैन तारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है वहीं दीपिका पादकोण अपने कैमियो रोल में फैंस को दीवाना बना रही हैं इस बीच एस आर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जी हां सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से शाहरुख खान भी कैमियों रोल में नजर आए थे दोनों खान की जोड़ी पर्दे पर ब्लैकबॉस्टर साबित हुई थी एक तरफ सलमान खान जहां अपनी इस अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री को लेकर बिजी हैं वहीं दूसरी तरफ फैंस शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुसूचित फिल्म का इंतजार कर रहे थे इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन दोनों सुपरस्टार को फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और मीडिया रिपोर्टरों की माने तो दोनों मेगा स्टार ने स्क्रिप्ट पर अपनी सहमति जताई है जिसके बाद टाइगर बनाम पठान की स्क्रिप्ट लाख हो गई है जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से सिनेमा प्रेमियों को इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हुए थे आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और ने। और सलमान खान के साथ बैठक की और उन्हें फिल्म के बारे में बताया दोनों को फिल्म की कहानी पसंद आई और फिल्म अब मार्च में फ्लोर पर जाएगी बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी टाइगर पठान एक्शन से भरपूर होने वाली है फिल्म कबीर खान की एक था टाइगर अली अब्बास जफर की टाइगर जिंदा है सिद्धार्थ आनंद की वार और पठान और मनीष शर्मा की बाद वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म होगी अपनी कम फिल्म पठान में शाहरुख खान एक भारतीय खुफिया एजेंट के रोल में है जिसका कोड नेम पठान है वहीं दीपिका पातकोट भी किंग खान की तरह जासूस बनी हैं। उधर जान अब्राहम एक खतरनाक आतंकवादी के रोल में हैं जो कंट्रैक्ट पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक आतंकवादी जान भारत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है जो भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी खबर लगती है तो वो उसे निपटाने के लिए अपने सबसे काबिल एजेंट पठान को एक्टिव करते हैं जान के मिशन में पठान को दीपिका पातकोण का भी साथ मिलता है क्या पठान अपने देश को सबसे खतरनाक आतंकवादी से बचाने की जंग में कामयाब हो पाते हैं या नहीं यह जानने के लिए आपको सिनेमाई घर जाना होगा और शाहरुख खान की फिल्म पठान का पहला गाना रिलीज होने के साथ ही मूवी विवादों में आ गई है इसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस किया था फिल्म का बड़े स्तर पर बायकॉट भी किया गया है ऐसे में दर्शक इस फिल्म की कहानी जानने को लेकर बहुत उत्सुक हैं करीब चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे शाहरुख खान ने एडवांस बुकिंग के मामले में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है सोमवार रात तक टॉप थ्री नेशनल सिनेमा चेन पर फिल्म पठान के चार लाख उन्नीस हजार टिकट बिक चुके हैं इस मामले में पठान अभी हिंदी डब फिल्मों के के जी एफ टू और बाहुबली टू से पीछे है के जी एफ टू के पहले दिन के सोच के लिए पाँच लाख पंद्रह हजार एडवांस टिकट बिके थे जबकि बाहुबली टू के पहले दिन के लिए साढ़े छः लाख टिकट बिके थे पठान के लिए दर्शकों का क्रेज क्या है इतना खास तो पठान के लिए दर्शकों का क्रेज इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि बाहुबली टू और के जी एफ टू दोनों ही सिक्वेल फिल्में थीं और के जी एफ टू तो अंबेडकर जयंती की छुट्टी वाले दिन रिलीज हुई थी वहीं पठान ना तो कोई सीक्वल फिल्म है और ना ही किसी हॉलीडे पर रिलीज हो रही है इस तरह पठान ने पहले दिन सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन और टाइगर शराब की फिल्म वर् के नाम था और एक लंबे समय से देश के सिनेमाई घरों का नजरा बदल चुका है और मॉर्निंग शोज में पुलिस के चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच शाहरुख खान के फैंस का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा था जी हां थिएटर की रौनक ऐसी थी कि मानो कोई त्योहार है गुलाबी ठंड के बीच फैंस काफ़ी तेजोतरार और तैयार होकर आए थे अपने फेवरेट स्टार की फिल्म देखने के बाद बादशाह शाहरुख खान पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कम कर रहे हैं और ये मौका उनके फैंस के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था उस पर सोने पे सुहागा की पठान फैंस के लिए हाई अटेक्शन एक्शन और इंटरटेनमेंट के साथ सलमान खान की सलमान खान की मौजूदगी बूस्टर डोज साबित हुई है ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यशराज की स्पाई इनवर्स की इस फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन अब तक हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिला है फिल्म की कहानी देशभक्ति के फार्मूले से लेवरेज है कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था इस फैसले से पाकिस्तान तिलमिला जाता है और वो भारत के इस निर्णय पर उसे सबक सिखाने के लिए आउटफिट एक्स नामक एक ऐसे आतंकवादी गिरोह का सहारा लेता है जिसका सरगना जीन जॉन अब्राहम है एक समय में रा का जागबाज और देशभक्त एजेंट हुआ करता था मगर एक मिशन में उसकी गर्भवती पत्नी को उसी के सामने क्रूरता से मार दिया जाता है देश हाथ पर हाथ दिए बैठा रहता है और यही से जिम के अंदर देश के लिए नफरत और प्रतिशोध की भावना प्रबल हो जाती है वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश को तहस नहस करने का आमदा हो जाता है और इस बिकट स्थिति का सामना करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस फोर्स की मुखिया नंदनी यानी कि डिम्पल कापाड़िया और फोर्स के हेड कर्नल लुथारा यानी कि आशुतोष राणा अपने सबसे काबिल एजेंट पठान और उनके टीम को नियुक्त करते हैं जिम को पकड़कर उसके इरादों का पता लगाने के इस मिशन पर पठान की मुलाकात आई, आई की एजेंट रूबीना यानी कि देविका पादकोंड से होती है जिम का उद्देश्य अगर विध्वंस का है तो पठान का एक ही मकसद है अपने देश को बचाना मगर रुबाई इन दोनों नायक और खलनायक के बीच एक ऐसा सूत्र साबित करती है जो विश्वास और विश्वाघात की पतली सी थिन लाइन के बीच खड़ी है भारत और पाकिस्तान के दो एजेंटों की लव स्टोरी टाइगर सीरीज की फिल्मों में दिखाई दे चुकी है यहाँ पठान और रुबाई का भी लव एंगल बनता है रुबाई पठान का साथ देगी उसके साथ धोखा करेगी क्या जिम अपने काले कारनामों में कामयाब हो पाएंगे देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने वाला पठान क्या देश को बचा पाता है इन सवालों के जवाब के जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी और पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कैरियर की शुरुआत में हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्मों की मगर बैग बैग और वार के बाद वे एक्शन फिल्मों की राह पर निकल पड़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठान तक आते आते उन्होंने एक्शन की नई ऊंचाइयों को छुआ है फिल्म की कहानी तो वही घिसी पिटी है जहां देशभक्त एजेंट अपने वतन को बचाने के लिए कटिबद्ध है मगर एक्शन और स्पेशल एस्फेक्ट के मामले में सिद्धार्थ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है बॉलीवुड की इस मूवी में जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल और मालवल की फिल्में सरीखा इफेक्ट देने को मिलता है सिद्धार्थ की यह फिल्म मसाला फिल्मों के पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरी है फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है मगर और आल्टन ट्विस्ट एक्सार्टिक लोकेशन हीरो विलेन के बीच सा और मात चुटकुले समात कॉमेडी का तगड़ा जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लाट पॉइंट साबित होते हैं एक्शन दृश्यों में बाइक चेकिंग हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हरितगंज बन पड़े हैं फिल्म का मजबूत पक्ष इसका स्टाइलिस्ट बीएफएक्स एफ सिनेमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस और संगीत है दुबई पेरिस अफगानिस्तान हो या अफ्रीका और लोकेंस का अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं बेसर्म रंग और झू में जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लैक साबित हो चुके हैं एक नोटिस करने वाली बात यह है कि किरदारों के लुक और कस्टडियो पर खास मेहनत की गई है तो पठान में किंग खान अपने कम को सही मायने में सार्थक करते हैं एस आर के का लुक हो आँखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी एक्शन दृश्यों की चपलता रोमांटिक गानों में उनका स्वेग और एक सोल्जर देश ने यह नहीं पूछा कि देश के लिए क्या किया है और क्या करना है मुझे वो देश के लिए क्या कर सकते हैं जैसे डायलॉग दर्शकों को सीटी मारने और तालियां पीटने पर मजबूर कर देते हैं यहाँ शाहरुख खान अपनी उम्र के अनुसार ही रोमांटिक करते नजर आ रहे हैं तो फिल्म का सरप्राइज एलिमेंट जिसमें कि जॉन अब्राहम के किरदार की माउंटिंग बॉलीवुड की फिल्मों में इतना मजबूत और बिल काफडेट बिलन कदाचित पहली बार देखने को मिल रहा है उसे बिलन से कहीं भी कमतर लगता दिखाई दे रहा है जान अब्राहम ने भी अपने किरदार में जान लगा दी है टाइगर यानी कि सलमान खान 20 मिनट की एंट्री फिल्म को एक अलग लेवर पर ले जाती है सलमान खान की मौजूदगी से फिल्म को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है शाहरुख खान की और सलमान खान की जुगलबंदी और एक्शन दर्शकों के हाथों हाथ लेते हैं और दीपिका पादकोण को मजदूगी पर्दे पर करंट पैदा करती है उन्होंने रूबियाई जैसी स्पाई गर्ल की विभिन्न पर्तों को बखूबी निभाया है बॉलीवुड हीरोइन को हीरो और विलेन के साथ एक्शन दृश्यों में कदम ताल करते देखा अच्छा लगता है डिम्पल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंक देते हैं सहयोगी कास्ट अच्छी भी है शाहरुख खान सलमान खान जान के चाहने वाले एक एक्शन फिल्मों के शौकीनियों के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म पठान की सफलता के दौरान फिल्म टाइगर वर्सेस पठान का ऐलान किया गया था यशराज फिल्म के बैनर तले इस धमाकेदार एक्शन फिल्म का निर्माण होना है जबकि पठान और वार जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की अगली पेशकश की कमान संभालेंगे मिली जानकारी के मुताबिक टाइगर वर्सेस पठान की स्क्रिप्ट का काम लगभग पूरा हो गया है बताया जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान ने अपनी ओर से इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल कर लॉक कर दिया है इतना ही नहीं अपडेट भी मिला है कि अगले साल मार्च में जाकर टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग को शुरू किया जा सकता है जबकि इस मूवी से जुड़ी बेसिक तैयारियों का आरंभ आने वाले नवंबर से हो सकता है अगर ऐसा वास्तव में तय समय के अनुसार होता है तो कुछ वक्त बाद ही फैंस को सिनेमाई घरों में टाइगर वर्सेस पठान का धमाका देखने को मिल सकता है बेशक फिल्म पठान में सलमान खान का कैमियो रोल था लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में टाइगर की एंट्री ने धूम मचा दी है और मूवी मेगा ब्लैक बोस्टर साबित हुई है इस साल पठान की अपार सफलता के बाद अब आदित्य चोपड़ा के एसराज फिल्म बैनर तले बनी अगली स्पाइफ थ्रिलर फिल्म टाइगर थ्री रिलीज के लिए तैयार है हाल ही में सलमान खान ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है गौर करें कि टाइगर थ्री की रिलीज डेट की जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है और इसका लीडर जिम जान अब्राहम होता है जिम कभी हिंदुस्तान का जवान हुआ करता था हिंदुस्तान से नफरत की भी जिम की एक कहानी होती है और अब एक टेरिस्ट बन चुका है जिम को इंडिया में ब्लास्टर करने का एक मिशन सौंपा जाता है जिसके तहत वो एक ऐसे वायरस को भारत में डालना चाहता है जो कुछ ही मिनटों में पूरे देश को खत्म करने की क्षमता रखता है तो ऐसे में वन वास काट रे पठान को बुलाया जाता है जो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है इस मिशन में रूबीना यानी कि दीपका पातकोण भी पठान के साथ आती हैं लेकिन क्या पठान सबसे खतरनाक आतंक से अपने देश को बचा पाएगा या उसके पीठ पर धोखे का खंजर भोंका जाएगा यह जानना जबरदस्त होगा यही इस फिल्म की कहानी का फ्लाट है तो पठान फिल्म के पहले गाने बेसर्म रंग से इस फिल्म की कंट्रोवर्सी बेहद तेजी से साथ बढ़ती है गाने में दीप का ने इस गाने में में एक्ट्रेस का इस इस भगवा रंग रंग की बिकनी पहनी है अपमान कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है इस पर एक्शन लेते हुए विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म पठान पर जमकर विरोध किया है और फिल्म निर्माताओं को फिल्म पठान से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है तो इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद गिरी राज सिंह ने शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर और कलाकार हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए सिनेमा बनाते हैं यहां तक कि बिहार के, के मुजफ्फरपुर क्षेत्र की एक अदालत में दायर एक आरोप में याचिका के अनुसार शाहरुख खान और दीपिका पातकोण पर उनकी नई फिल्म पठान के गीत बेसम रंग में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है और यह 25 जनवरी 2022 को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है ओ पर रिलीज बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद यह फिल्म 22 20 मार्च 2023 को ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो रही है तो पठान 2023 की भारती की भारतीय हिंदी भाषा जासूसी फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और आदित्य चोपड़ा द्वारा उनके बैनर यश राज फिल्म के तहत निर्मित किया गया है वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकोण और जान अब्राहम है यह एक टाइगर दो टाइगर जिंदा है दो और वार दो के बाद स्पाई यूनिवर्स में चौथी किस्त है यह यशराज फिल्म्स की सबसे महंगी परियोजना है यह फिल्म यह फिल्म वाई आर एफ की पहली डाबलिंग सिनेमा रिलीज हुई है और पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसे पूरी तरह से आई मैक्स कैमरों के साथ शूट किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद जी ने और इस फिल्म को लिखा है सिद्धार्थ आनंद और सुरेश नैर ने और इस फिल्म के निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा जी और इस फिल्म को स्टार कास्ट किया है शाहरुख खान दीपिका पातकोण जन अब्राहम आशुतोष राणा डिम्पल कपाड़िया सलमान खान और सिद्धार्थ गेंगडमल ने और इस फिल्म को छांकित किया है बेजामिल जैसपर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर जी ने निर्माण कंपनी है यशराज फिल्म के तहत तो इस फिल्म का निर्माण किया गया है तो फिर से इस फिल्म को रिलीज किया गया है पच्चीस जनवरी दो को देश भारत में और बारह मई दो को बांग्लादेश में यह फिल्म एक मिनट की है और देश भारत में और भाषा हिंदी में तो फ्रेंड्स के कुल कारोबार की बात करें तो इस फिल्म ने कुल कारोबार किया है एक हजार पचास पॉइंट तीन करोड़ रुपए का तो पठाइज किया गया था और आलोचकों और दर्शकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई थी जिन्होंने इसके एक्शन दृश्यों और संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है इस फिल्म ने दुनिया भर में एक करोड़ यूएस तेरह मिलियन की कमाई की है जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है अब तक की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और कई सेट भारत में अन्य बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और एक हिंदी भाषा की फिल्म के लिए है तो फ्रेंड्स बिना देरी इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो सन 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा देता है को रद्द कर दिया है और यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला करते हैं वो जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट एक्स का नेतृत्व करते हैं इस बीच पठान एक रा एजेंट और उसकी वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी ने जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च जे ओ सी आर नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से, से सेवानिवृत्ति हुए लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं राज्य संयुक्त सचिव कर्नल सु, सुनील लुथारा स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी परियोजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर सहानी और डॉक्टर फारूखी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करते हैं और पठान इसे रोकने की कोशिश करता है डॉक्टर जिम सहानी के साथ भागने में सफल हो जाता है डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं तो मुख्यालय में लुथारे ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रा एजेंट थे जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत को नाटक किया था और वो अपने देश के खिलाफ विरोध प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमलियाई आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका देश ही है तो पठान का रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और ये भी दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिक थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था वो स्पेन जाते हैं और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं जहाँ उसे यह भी पता चलता है कि रूबीना एक पूर्व आईएसआई एजेंट है जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है तो रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है तो बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्तबीज मास्को में है और दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्तबीज चुराते हैं पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंध करते हैं जहां रक्तबीज आयोजित किया जाता है लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और यह पता चलता है कि जिम ने रक्त भी चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया जाता है वो कैदियों से लड़ता है जहाँ अविनाश टाइगर सिंह राठौर उसे बचाने के लिए आते हैं जैसे कि नंदनी ने मेकर्स कोर्ट के माध्यम से सूचित किया था पठान और टाइगर पुलिसकर्मी और काफिले को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं तीन साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है बाद में वो रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है जहां नंदनी पेरिस में रूबीना के ठिकाने का खुलासा करती है और पठान रूबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देता है और डॉक्टर शाहानी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है वो यह भी बताती है कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है रुवीना जिम की लैब के स्थान का खुलासा करती है और जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाते हैं तो पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारतीय संक्रामक रोग संस्थान आई जाते हैं जहाँ जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है संक्रामित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देते हैं पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफिसी पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रुबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है तब पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वह एक केविन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इस बीच रुबीना को पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं है बल्कि दिल्ली की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज़ में है वो पठान को सूचित करती है जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है जो लुथारा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फ़ोन किया है केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं जिम द्वारा छुरा घोपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंक कर मार डाला इसके बाद पठान को बहाल कर दिया गया और जे ओ सी आर के प्रमुख के रूप में बनाया गया था जबकि नंदनी को उनकी बहादुरी के लिए मड़ों प्रांत सम्मानित किया गया है तो क्रेडिट के बाद भारत के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्ति होने और युवा एजेंटों का सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले लेते हैं तो फिर आई जानते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से पात्रों ने काम किया है तो उनके बारे में हम जानते हैं तो शाहरुख खान एजेंट पठान के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं और दीपिका पातकोण आई एस आई की पूर्व एजेंट रूबीना मोहसिन हैं जान अब्राहम आउटफिट एक्स के नेता और पूर्व रा एजेंट जिम हैं मनीष माधवा जो जनरल कादिर हैं आशुतोष राणा कर्नल सुनील लुथारा हैं डिम्पल कपाड़िया नंदनी जे ओ सी आर की प्रमुख हैं सलमान खान अविनाश सिंह टाइगर राठौड़ के रूप में हैं प्रेम झंगियानी डॉक्टर फरुखी हैं और प्रकाश बेलावाड़ी डॉक्टर सहानी हैं साजी चौधरी रजा जे ओ सी आर के सदस्य हैं एकता कौल श्वेता जो जे ओ सी आर की सदस्य हैं आकाश भतीजा जो अमोल जे ओ सी की सदस्य हैं दिंगता हजारिका जोसफ जे आर सी की सदस्यता हैं बिरा पटेल ऋषि जे आर सी की सदस्यता हैं रजत कौल राफे जिम का गुर्गा है मनीष वादवा जनरल कादिर हैं रूमी खान जिम का गुर्गा है जो मानसी तक्षक हैं जो जिम की पत्नी हैं आशुतोष सिंह हैं रूबी के पिता हैं अमनप्रीत हुंदल जो रुबाई की माँ हैं और कथित सिकेरा कैप्टन मेहरा पायलट हैं राकेश खिंदी ए टी एस हैं और मुश्ताक अक्सरी फयाद हैं और निकहत खान सबा पठान की पालक माँ हैं ग्रेसर गिरधर युवा रुबाई हैं तूफेंस पठान फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक बेशर्म कुमार रंग इसे गाया है विशाल शेखर और विशाल डलडलानी शेखर रविजानी और शिल्पा राव कैरिल्सा मोन्टेरो ने नंबर दो झूमे जो पठान इसे कुमार शेखर और विशाल दलदलानी अरिजीत सिंह सकृति कक्कड़ विशाल शेखर ने गाया है नंबर तीन पठान की थीम इसे विशाल शेखर और लेना सुपेल किट और मधुमक्खी जी ने गाया है नंबर चार जिम की थीम इसे विशाल शेखर और मान्या नारंग और रिया दुग्गल जी ने गाया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म की रिलीज के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई है फिल्म को भारत में आई एम एक्स संस्करणों के साथ साधारण संस्करणों में प्रदर्शित किया गया है पठान पहली भारतीय फिल्म थी जो आई सी आई थ्रेटर प्रारूप में रिलीज़ हुई थी पठान को दुनिया भर में 9000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें भारत में हिंदी के 5000 स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के 450 स्क्रीन शामिल हैं फ़िल्म के डिजिटल और सैटेलाइट अधिकार क्रमशः अमेजन प्राइम वीडियो और स्टार नेटवर्क द्वारा अधिगृत किए गए थे जिसे पच्चीस अप्रैल दो को प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तो फिल्म का बेशर्म रंग गीत दक्षिणपंथी हिंदू समूहों के आरोप के बाद विवादों में आ गया था यह गीत अश्लीलता को बढ़ावा देता है और ये भगवा रंग का अनादर करता है क्योंकि दीपिका गाने में भगवा रंग की बिकनी में दिखाई देती हैं इस फिल्म को लेकर मुस्लिम पठान लोगों ने भी गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी प्रदर्शन किया था उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पठान लोगों को जैसे दिखाया गया है वैसे हम लोग नहीं हैं यह सच है कि फिल्म के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शाहरुख खान के पुतले और पोस्टर जलाए गए थे फिल्म पर हंगामा का कारण यह भी आया क्योंकि इसे पहले आमिर खान की बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और काफी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं तो यह फिल्म भी फ्लॉप होनी चाहिए यह लोगों का मानना था कि फिल्म को इस का कुछ फायदा हुआ है जिसे नकारात्मक प्रचार करते हुए दोस्तों आइए हम पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें कि फिल्म ने भारत में 270 करोड़ की कमाई के साथ अपने शुरुआती दिन में दुनिया भर में 410 करोड़ का सकल संग्रह किया था फिल्म ने हिंदी भाषा में रिलीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत दिया यह पहले दिन विश्व स्तर पर 110 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है फिल्म ने बॉलीवुड फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की है पठान बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने हिंदुस्तान में पाँच करोड़ की नेट कमाई की है गैरतलब है कि पठान ही है वो पहली फिल्म जिसने चार करोड़ की नेट कमाई की थी अपने रिलीज के अट्ठाईस दिन पठान ने एक हज़ार करोड़ की कमाई की और यह भारत की पांचवी और बॉलीवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जिसने यह कारनामा कर दिया है एक मार्च 2023 तक फिल्म ने भारत में पाँच सौ करोड़ यू एस मिलियन और विदेशों में तीन करोड़ यूएस अड़तालीस मिलियन की कमाई की है और दुनिया भर में एक हज़ार पचपन पॉइंट उनतालीस करोड़ यू एस एक सौ इकतीस मिलियन का सकल संग्रह किया है यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी और पांचवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और खान के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया गया है आज तक की फिल्म की कुल कमाई लगभग एक करोड़ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है तो बॉलीवुड हंगामे के तरण आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चौदह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और कहा है कि फिल्म को एक्शन भावनाओं देशभक्ति हास्य रोमांच और निश्चित रूप से शाहरुख खान की स्टार पावर से भरपूर मनोरंजन कहा है और सुकन्या वर्मा रेटफी ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारों की रेटिंग दी है और फिल्म फेयर के देवेश शर्मा ने फिल्म को पाँच में से चौदह सितारे दिए हैं और एन के सबल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से तेरह की रेटिंग दी है और वेब दुनिया के समय ताम्रकर ने फिल्म को पाँच में से तेरह सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान की कहानी रूटीन जरूर है लेकिन उसे पेश करने का तरीका ही है फिल्म को खास बनाता है द रन टाइम ऑफ इंडिया की रेणुका व्यवहार ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और लिखा है कि पठान में मसाला पार्ट ब्लैर की सभी सामग्रियाँ हैं पिंक पिला के हिमेश माकवर्ड ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और कहा इसे टेटपोल इवेंट फिल्म कहा जिसमें सही मात्रा में एक्शन थ्रिल इमोशनल और ड्रामा है द क्यूंट की तनिषा बख्ची ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और डी एन ए ने इंडिया के अभिमन्यु माथुर ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच सितारे दिए हैं और प्रदर्शन की प्रशंसा की है स्कोर किया है लेकिन कुछ एक्शन दृश्यों को ओवर द टॉप और अविश्वसनीय करार दिया है जी न्यूज़ की रितिका हंडू ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच स्टार की रेटिंग दी है और उल्लेख किया है कि इस यशराज फिल्म एक्शन में एक भी सुस्त क्षण नहीं है शाहरुख खान और जान के बीच एक एक्शन सीक्वेंस दिमाग सुन कर देने वाला है इंडिया टुडे के तुषार जोशी ने फिल्म को पाँच में से तेरह स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान पठान का दिल है द न्यूज मिनट की सौम्या राजेंद्र ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और लिखा है कि शाहरुख खान अपनी उपस्थिति शानदार ढंग से दर्ज कराई है लेकिन फिल्म के दूसरे भाग की भी आलोचना की गई है मैसबल के फेयन ने फिल्म को पाँच में से तेरह पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और लिखा है की बी जी एम विजुअल प्ले सभी एक जन मनोरंजन बनाते हैं सलमान खान कुछ कुछ होता है करण अर्जुन हर दिल जो प्यार करेगा हम तुम्हारे हैं सनम और पठान फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं शाहरुख खान ने चार साल के बाद फिल्मों में वापसी की है और इससे पहले कि वो जीरो फिल्म 2018 में नजर आए थी इस फिल्म में शाहरुख खान ने पहली बार जान अब्राहम और आशुतोष राणा के साथ काम किया था टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुप्रचिष्ठित फिल्म का इंतजार कर रहे हैं इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई है तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म पर जवान की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं एडली के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सिनेमा प्रेमियों को किंग खान और नैन तारा की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आ रही है वहीं दीपिका पातकोड़ अपने कैमियो रोल में फैंस को दीवाना बना रही हैं इस बीच एस आर के के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जी हां सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान से शाहरुख खान ने चार साल बाद बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा था फिल्म में भाईजान यानी कि सलमान खान भी कैमियो रोल में नजर आए थे दोनों खान की जोड़ी पर्दे पर ब्लैक साबित हुई थी एक तरफ सलमान खान जहां अपनी इस अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री को लेकर बिजी हैं वहीं दूसरी तरफ फैंस शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे बहुस फिल्म का इंतजार कर रहे थे इस बीच खबर है कि फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने इन दोनों सुपरस्टार को फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बताया था और मीडिया रिपोर्टरों की माने तो दोनों मेगा स्टार ने स्क्रिप्ट पर अपनी सहमति जताई है जिसके बाद टाइगर बनाम पठान की स्क्रिप्ट लाख हो गई है जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से सिनेमा प्रेमियों को इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हुए थे